प्रदेश भर में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से शुरू हुआ राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ का चरणबद्ध आंदोलन शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। विगत दो दिनों से काली पट्टी बांधकर तथा गुरुवार से शुरू हुआ दो घंटे कार्य बहिष्कार शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अपने आंदोलन की रणनीति के तहत शुक्रवार को भी दो घंटे पैनडाउन के तहत कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान सभी कर्मचारी दोपहर 2 बजे से कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए तथा 2 घंटे का धरना शुरू किया। इस दौरान उपस्थित कर्मचारियों ने हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाए। कर्मचारी संघ स्थानीय शाखा के अध्यक्ष अनुपम सिंह ने बताया कि प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार शुक्रवार को भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान सभी कर्मचारी सरकार से 11 सूत्री मांगों को शीघ्र ही पूरा करने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को कार्य बहिष्कार में अध्यक्ष अनुपम सिंह, ललित कुर्डिया, गणपत सिंह, जितेंद्र कुमार मीणा, मोहम्मद खान, लाल मोहम्मद, चंपालाल गहलोत, भूपेंद्र सिंह जोधा, हनुमान सिंह, रोहित अमरवाल, विशाल नागर, राजीव वर्मा, नीरज कश्यप, नरेंद्र कुमार, पवन कुमार वर्मा, इंद्रजीत सिंह तथा राजकिशोर आदि शामिल थे। शुक्रवार को कार्य बहिष्कार के दौरान राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ की स्थानीय शाखा का विस्तार किया गया। कार्यकारिणी विस्तार में संरक्षक, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा महामंत्री मनोनीत किए गए हैं। हमारे राजस्व मंत्रालय कर्मचारी अधिकारी संघ राजस्थान के आह्वान पर लगातार चौथे दिन धरना दिया जा रहा है। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है और आज हमारे द्वारा जो है कार्यकारिणी की का विस्तार भी किया गया है और कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री और संरक्षक नियुक्त किए गए। आज जो है लगातार हमारा चौथा दिन जारी है और आगे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आगे कार्यवाही की जाएगी। अपने प्रतिष्ठान के विज्ञापन पर पाइए आकर्षक ऑफर। जय स्काई चैनल पर आज ही अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देवे और पाइए आकर्षक ऑफर। 2 माह के विज्ञापन पर अतिरिक्त 1 माह फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए, तो आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 9829050867।